अब बात करते हैं अयोध्या की। लोकसभा चुनाव में जिस राम मंदिर और उसके मुद्दे को गेम चेंजर माना जाता रहा, जिसके इर्द गिर्द चर्चा होती रही कि एक बड़ा फैक्टर रहेगा जो सियासत की दशा और दिशा को तय करेगा, जिसमें विपक्ष ने जमकर मुद्दा भी बनाया। एक तरफ जहां पर बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे चुनाव में हवा हो गए, बड़े बड़े मंत्री हार गए, वहां से बीजेपी के दिग्गज कैंडिडेट भी हार गए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में हिंदुत्व के नाम पर वोट बटोरने की तैयारी थी, लेकिन बीजेपी का प्रयोग अयोध्या में चला नहीं। अयोध्या में इस बार एक नारा खूब चला, ना अयोध्या ना काशी, अब की बार अवधेश पास। हर कोई हैरान है कि आखिर अयोध्या, जिसे फैजाबाद के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर बीजेपी क्यों और कैसे हार गई है। दरअसल फैजाबाद में बीजेपी की हार एक सबसे बड़ी हार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट है और इस बार बीजेपी के कैंडिडेट लल्लू सिंह को हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस सीट पर जीत को लेकर कॉन्फिडेंट दिख रही थी, लेकिन इस सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीत को हासिल किया। अखिलेश यादव ने फैजाबाद में एक बड़ा प्रयोग किया। पिछली बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था, इसके बावजूद बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह 65,000 वोटों से जीते, लेकिन इस बार वो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट अवधेश प्रसाद से 54,000 वोटों से हार गए। बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह लगातार 10 साल से सांसद थे। केंद्र और राज्य सरकार ने अयोध्या में विकास की बयार बहा दी। राम मंदिर बना, एयरपोर्ट बना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या का धाम और रेलवे स्टेशन बना, राम पथ बनाया गया, राम की पैड़ी की सुंदरता बढ़ाई गई, सौंदर्यकरण किया गया। बावजूद इसके फैजाबाद सीट बीजेपी हार गई, और इसके पीछे कई बड़े फैक्टर्स हैं। कुछ लोगों का मानना तो यह भी है कि जब अयोध्या का विकास हो रहा था तब वहां से लोगों को हटाया गया, दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, स्थानीय निवासियों की अनदेखी की गई। लेकिन अगर जातीय समीकरण को आप देखेंगे तो फैजाबाद में दलित है 26%, मुस्लिम है 14%, कुर्मी आते हैं 12% और ब्राह्मण आते हैं, यहां पर कुर्मी 12% है, ब्राह्मण यहां पर है और इसके साथ ही 12% के, और फिर जो यादव हैं वो भी यहां पर 12% के हैं। यह है यहां का जातीय समीकरण। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो कि बीजेपी कैंडिडेट लल्लू सिंह की हार की बड़ी वजह माने जाते हैं, जिनका मैं अब जिक्र करने वाली हूं। जैसे कि पहला फैक्टर क्या है, अयोध्या में पासी बिरादरी बड़ी संख्या में है और ऐसे में सपा ने पासी चेहरे अवधेश प्रसाद को अयोध्या में अपना उम्मीदवार बना दिया। यूपी की सियासत में अवधेश प्रसाद दलितों का एक बड़ा चेहरा है और उनकी छवि एक जमीनी नेता की है। सपा को अयोध्या में दलितों का खूब वोट मिला है। दूसरा फैक्टर क्या है, अयोध्या में बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह के खिलाफ क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी, लोगों की नाराजगी उनके क्षेत्र में मौजूदगी को लेकर थी, जनता से लल्लू सिंह ने कनेक्ट नहीं किया, एक फटीग रहा कैंडिडेट की तरफ से भी और नाराजगी रही वोटर्स की तरफ से भी। तीसरा फैक्टर, लल्लू सिंह का संविधान को लेकर दिया गया उनका एक स्टेटमेंट उन पर भारी पड़ा। लल्लू सिंह वही नेता हैं जिन्होंने कहा था कि मोदी सरकार को 400 सीट इसीलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। चौथा फैक्टर, ऐसा भी माना जा रहा है कि लल्लू सिंह यहां से लगातार 10 साल से सांसद थे और उनको बदले जाने का दबाव स्थानीय स्तर के नेताओं की ओर से बनाया जा रहा था। पांचवा फैक्टर, लल्लू सिंह पर क्षेत्र में जमीन खरीद और फिर उसे ऊंचे दामों पर बेचने का गंभीर आरोप। राम मंदिर पर फैसले के बाद जमीन की खरीद और बिक्री का मामला जोर शोर से उठाया गया था और इसको लेकर भी एक बड़ी वजह बनी।